युवाओं और वांछित वर्गों के मतदाताओं को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक हों। उत्तर लोकसभा क्षेत्र में 19 अप्रैल 2024 को होने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा केंद्र रामपुर द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य मतदाताओं, खासकर युवाओं और वांछित वर्गों के मतदाताओं को सशक्त बनाना है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक हों। इस बहुआयामी अभियान में निर्वाचक नामावली का सत्यापन करने, मतदान प्रक्रिया को समझने में मदद करने और मतदान केंद्रों पर दिव्यांगों सहित सभी मतदाताओं के लिए सुगम मतदान को बढ़ावा देने जैसे कार्य किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र रामपुर के स्वयंसेवक सभी मतदान केंद्रों पर सक्रिय रूप से मौजूद रहा, आम जनमानस के साथ बातचीत कर और निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार कर रहे हैं। जिले के समस्त ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में धर्मगुरुओं, महिलाओं, दिव्यांगजनों और बुजुर्ग मतदाताओं ने भाग लिया, जिसमें उपस्थित जनता को मतदान के महत्व के बारे में प्रेरित किया गया और 19 अप्रैल को मतदान करने की अपील तथा सभी के द्वारा मतदान के लिए प्रेरित करने वाले विशेष संदेश भी शामिल किए गए। मैं माहे आलम, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र रामपुर, जनपद के सभी युवाओं से और मतदाताओं से अपील करता हूँ कि आगामी 19 अप्रैल को अपने मत का उपयोग करें। नेहरू युवा केंद्र रामपुर द्वारा जनपद में समस्त मतदाताओं को इलेक्ट्रल प्रोसेस को समझाने एवं मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। मुख्य रूप से सेमिनार और गोष्ठियों के माध्यम से जनपद के युवाओं को, खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स को, मतदान की प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है। गोष्ठियां करके लोगों को मतदान करने की अपील की जा रही है। इसके अतिरिक्त चित्रकला, वॉल पेंटिंग्स, रंगोली मेकिंग कॉम्पिटिशंस इत्यादि से भी लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जनपद के सभी युवा मंडल के सदस्य अपने आसपास के लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं। मेरी सभी जनपदवासियों से अपील है कि वह 19 तारीख को अपना मतदान अवश्य करें। साथ ही नेहरू युवा केंद्र द्वारा जनपद के सभी धर्मगुरुओं, महिला वोटर्स, महिला आइकन्स, यूथ आइकन्स, दिव्यांग जन आइकन्स और वृद्धजनों से अपील की जा रही है और उनके द्वारा अपील युवाओं को की जा रही है कि वो आगामी 19 अप्रैल को अपना वोट अवश्य दें। इसी अपील के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं से युक्त जेपी डायग्नोस्टिक्स रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी सेंटर मथुरा का पहला कंप्लीट रेडियोलॉजी एंड पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक फैसिलिटी से सुसज्जित। डॉक्टर दीपक अग्रवाल एंड डॉक्टर निधि अग्रवाल, JSR टावर, गोवर्धन क्रॉसिंग, NH90, मथुरा।